खान का डोगरा में छह डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और कीमती कागजात लूट कर फरार। डकैती की वारदात से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। डोगरा में छह डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और दीगर कीमती कागजात लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने जायबकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। खानका डोगरा में पुलिस स्टेशन के करीब मोहम्मद अरशद मुगल अपने अहले खाना के हमराह घर में मौजूद था कि छह नकाबपोश डाकू घर में घुस आए, जबकि एक डाकू घर से बाहर पहरा देता रहा। डाकू ने अहले खाना को एक कमरे में बंद कर दिया और घर में मौजूद अलमारियों को तोड़कर 6 लाख रुपए नकदी, 10 तोले सोना, लाइसेंसी असलहा, 7 मोबाइल और कीमती कागजात ले उड़े। अहले खाना ने बताया कि तमाम डाकू असलहे से लेस थे और जाते हुए तमाम अफराद को किचन में बंद करके फरार हो गए। छे बंदे सन गन्ना के उत्ते, उन्होंने आके साढ़े उत्ते गन्ना रख दतिया ने, सारियां कट्ठिया करके उन्होंने एक कमरे ही बंद कर दिता। फिर उन्होंने सारे कमरे तलाशियां लैनिया शुरू कर दतिया ने। तकरीबन 10-15 लाख का समान सी वो सारा लै गए। डकैती की खबर सुनकर शहर में खौफो हिरास फैल गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस भी भारी नफरी के हमराह मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है।